प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं मिथिलेश कुशवाहा पुणे से आई हूँ जी, और लगभग 1.5 साल से आपके वीडियो वगैरह देखकर मैंने ध्यान साधना की है जी। उसके पहले मैं प्राणायाम कुंभक वगैरह लगाती थी और गायत्री मंत्र बचपन से ही बहुत आदत थी। तो अभी जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी प्राणवायु कंठ तक जाती है एंड मूलाधार चक्र में और नीचे के 3 चक्र जो हैं उनमें ऐसा लगता है उनसे शरीर जो है तरंगित सा हो रहा है। अभी मेरा प्रश्न है कि जब मैं ध्यान साधना करती हूँ तब हमारे सामने पीले रंग के रिंग जैसी बनती है और वो रिंग समाप्त होती है और समाप्त होने के बाद कभी वो दूर चली जाती है और कभी वो लगता है मेरे अंदर समाहित सी हुई है, तो ये क्या हो सकता है? जी, आपने बताया जो पीले रंग की रिंग जैसी बनती है, जो मनुष्य के शरीर की संरचना है या जो जीवन चल रहा है तो इसका एक स्वभाव है इस शरीर का कि चित्त पर जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, उसके संस्कार बनते हैं और चित्त में स्थित हो जाते हैं। वही संस्कार जब बाहर निकलते हैं तो पहले बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक होते हैं, जैसे जैसे वो बहिर्मुखी होते हैं उनकी व्यापकता और उसकी सीमाएं घटने लगती हैं, तो अंत में जो होते तो तेजस रूप में हैं, आँखों के द्वारा जो निकल के बाहर वृत्तियाँ आती हैं। लेकिन गुरुदेव, वो रिंग समाप्त होती है, एक गोलाकार का रूप लेती है, वृत्तियाँ, वृत्ति यानी वृत्ताकार, ठीक है, रिंग जैसा बनती चली जाएंगे, छल्ले जैसे बनते चले जाएंगे, और वो जो आपको पीला रंग है तो ये जो वृत्तियाँ हैं ये 5 तत्वों से युक्त होती हैं, इनमें वायु रूप की तो प्रधानता होती है जब चित्त में स्थित होती है, बहिर्मुखी जब होते हैं तो अग्नि तत्व अपना स्वरूप छोड़ती, बहिर्मुखी हो रही हैं, सीमाएं उनकी संकुचित हो रही हैं, उनका घनत्व तो बढ़ रहा है, तो बाहर धीरे 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 होकर के वो पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण वो पीले रंग की दिखाई देती है। एक साधक को ही वैसे आँखों से तेजस रूप में निकलती हैं। हाँ, आप पता नहीं त्राटक के विषय में जानती हैं? त्राटक गुरुदेव अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन अब हमें करना है, अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैं करीब 2.5 घंटा मैं ध्यान पे बैठती हूँ, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर और शाम को आधा 1 घंटा जी। जब त्राटक की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ऐसे ही जो बिंदु होता है, बिंदु त्राटक करते हैं तो वो पीले रंग के छल्ले जैसे या वृत्तियाँ इसीलिए दिखाई देते हैं। पहले पृथ्वी तत्व का जो रंग है पीला है, तो पीला रंग होने के कारण पहले पृथ्वी तत्व का वृत्तियों के द्वारा साक्षात्कार होता है तो वो दिखता है, तो पीले रंग के छल्ले या वृत्ति दिखती है। आपने जो बताया उसका उत्तर हाँ, वो समाप्त होके कभी दूर गई और हाँ, कभी दूर गई हो जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।